दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी, टेस्टी और प्रोटीन से भरे हुए स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना और बस कुछ बूंद तेल में ही बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप मसूर की टिक्की या मसूर का कबाब बोल सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इस तरह से टिक्की बनाने के लिए मैंने एक कप साबुत मसूर लेके अच्छी तरह से धुल के और रात भर के लिए भिगा दिया था, तो अच्छी तरह से ये फूल गया है, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने इसका सारा पानी भी निकाल दिया है। आप अगर जल्दी में हैं तो हल्के गर्म पानी में इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगा देंगे, तब भी फूल जाएगा। अब इसको एक कुकर में डालेंगे। अब इसमें एक कप पानी डाल देंगे और जिस कप से मैंने साबुत मसूर लिया है उसी कप से पानी भी लिया है, तो आप भी जिस कटोरी से या जिस ग्लास से मसूर ले रहे हैं उसी से पानी भी लेंगे। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप चाहे तो आधा अभी डालें और आधा बाद में डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि पानी ज्यादा ना होने पाए। जिस कप से मैंने साबुत मसूर लिया है उसी कप से एक कप पानी भी है। तो अब इसका ढक्कन लगा देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। गैस फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे और 2 सीटी आने के बाद गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर अपने आप से निकलने देंगे। तो प्रेशर देखिए अपने आप से निकल गया है। देखने से लग रहा है कि अच्छे से ये पक चुका है। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुका है और खूब बढ़िया से मैश हो जा रहा है। तो अब हम एक मैशर लेंगे और इसको मैश करेंगे। आप चाहें तो कुकर से बाहर निकाल के फिर इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में ही मैश कर ले रही हूँ। तो पानी इसमें देखिए ना तो कम है और ना ही ज्यादा है। तो खूब बढ़िया से इसको मैंने मैश कर लिया है। अब इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन घिसा हुआ है, आप चाहें तो पेस्ट ले सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटा प्याज छोटे टुकड़े में कटा हुआ है। आप अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। सभी चीजों की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक मैंने पहले ही डाल दिया है और चाट मसाले में भी नमक होता है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल देंगे। चावल के आटे से टिक्की बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी। आप चाहे तो इसकी जगह पे बेसन ले सकते हैं या ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो अब इसमें डाल देंगे 1 आलू। ये उबला हुआ आलू है, ऑप्शनल है, मेरे पास रखा हुआ है तो मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो सभी चीजों को हाथ से खूब अच्छे से मिलाएंगे। इसको हम हाथ से ही मिलाएंगे, चम्मच से बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा। इसको आप मसूर की टिक्की या मसूर का कबाब दोनों बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और स्वाद भी बहुत लाजवाब आता है। तो एक बार इसको आप भी ट्राई कीजिएगा। हाथ में बहुत ज्यादा लग जाता है तो हाथ को पहले धुल लेंगे और पोंछ लेंगे। तो अब इसमें से थोड़ा सा लेंगे, जितने साइज का आपको बनाना है इस तरह से गोल करेंगे और अब इसको हार्ट का शेप देंगे। आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरह से बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से बना के इसको प्लेट पे रखते जाएंगे। मोटा पतला या छोटा बड़ा आप अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो सारी टिक्की इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें 1.5 से 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दी हूँ। तो इस टिक्की को हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे क्योंकि सरसों के तेल में टिक्की का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और ध्यान रखेंगे कि तेल बिल्कुल ज्यादा ना होने पाए, तेल बहुत कम डालेंगे। मुझसे थोड़ा ज्यादा ही तेल पड़ गया है तो चम्मच की सहायता से थोड़ा सा तेल निकाल देंगे और दूसरे बैच में इसी तेल का यूज कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि तेल का यूज बहुत कम कीजिएगा, लगभग 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ही तेल लीजिएगा, क्योंकि तेल अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो टिक्की तेल में फैलने लगेगी और पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कम तेल में ही इसको हम सेकेंगे।
जैसे ही देखने से लगेगा कि टिक्की का कलर चेंज हो गया है तो एक एक करके इस तरह से पलट देंगे और इसको हम मीडियम गैस फ्लेम पे ही बनाएंगे। हाई कर देंगे तो कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा और टिक्की अच्छे से क्रिस्प नहीं होगी। अब दूसरे साइड से भी बढ़िया से कलर आने देंगे और क्रिस्प होने देंगे। अब इसको निकाल लेंगे तो जो तेल हम निकाल के रखे थे टिक्की से उसी तेल को मैंने फिर से डाल दिया है और पूरे पैन में इस तरह से तेल को मैंने फैला दिया है। अब बाकी की टिक्की एक एक करके इस तरह से रखेंगे। तो पैन में आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल तेल नहीं है, तो कुछ बूंदे तेल की इसके ऊपर से डाल देंगे और इसको भी पलट देंगे। सेम उसी तरह से इसको भी क्रिस्प करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टिक्की बनी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, प्रोटीन से भरी हुई है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि बहुत कम तेल में बन गई है। अगर आप ऑयल फ्री और कुछ हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से साबुत मसूर की टिक्की बना सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इस तरह से साबुत मसूर की टिक्की आप भी बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।